वेलकम बैक टू लर्न साइंस विद मीरा। सो टुडे वी डिस्कस्ड व्हाट इज सेल। सो आज हम सीखेंगे सेल के बारे में कि सेल एक्चुअली होता क्या है। बेसिकली अगर आप बायोलॉजी पढ़ते हैं तो बार बार सेल्स आता है, राइट? तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स इसलिए क्लियर करना जरूरी होता है कि अगर मान लीजिए आप कोई भी बुक पढ़ते हैं तो ये छोटे छोटे वर्ड्स जो होते हैं ना आपको बार बार आते हैं, जिससे कि थोड़ी सी परेशानी होती है अगर चीजें हमारी क्लियर ना हो तो, राइट? सो चलिए आज हम देखते हैं सेल के बारे में, सेल होता क्या है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसका मतलब सिंपल सा है कि जो सेल होता है हमारे जीवन का यानी हमारे लाइफ का क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल है, यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, अब भाई इसका मतलब होता क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल का अगर बात करें तो इतना से तो समझ में नहीं आया कि सेल होता क्या है। ओके, तो अगर आप स्ट्रक्चरल की बात करें तो जो सेल्स होते हैं ये बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, जिसे हम देख भी नहीं सकते, माइक्रोस्कोप से आप देख सकते हैं जो छोटे छोटे सेल्स होते हैं। तो अगर देखें, अगर मान लीजिए कोई भी एक ह्यूमन बींग्स है, राइट, कोई भी एक ह्यूमन बींग्स है, तो अगर ये देखा जाए तो क्या हो रहा है, अगर इसका फॉर्मेशन हो रहा है, इसका स्ट्रक्चर अगर तैयार हो रहा है तो किससे हो रहा है? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, यानी सेल के मिलने से ही क्या होता है, किसी भी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, अगर इन अ लिविंग बींग्स में देखा जाए तो। स्ट्रक्चर तो समझ में आ गया, अब फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्या होता है? फंक्शनल नहीं समझ में आ रहा है कि फंक्शनल क्या होगा। तो फंक्शनल अगर सपोज मान लीजिए कि जो भी सेल्स होंगे, सपोज सेल से मिलकर हमारी बॉडी बनी है, राइट? ये तो पता होगा कि सेल से ही मिलकर हमारी बॉडी बनी है, राइट? तो ये जो सेल्स होते हैं, अगर ये सेल्स फंक्शन कर रहे होंगे तभी तो हमारा बॉडी भी फंक्शन करेगा, है ना? अगर ये सेल्स फंक्शन ही नहीं करेंगे तो हमारा बॉडी भी फंक्शन नहीं करेगा। तो यही है स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो देखिए, अगर बेसिकली अगर आप जूनियर क्लास में, अगर आप माने 7 और 8 क्लास तक अगर आप चाहें तो आप ये डेफिनेशन लिख सकते हैं, बस इतना इनफ होगा। ओके, लेकिन अब थोड़ा सा अगर हायर क्लास में है तो मैं सजेस्ट करूंगी यहां तक आप डेफिनेशन याद करें। एंड विच कंसिस्ट ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड बाय मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म, यानी जो मेम्ब्रेन उसमें पाए जाते हैं सेल्स में, ओके, ये बाउंडेड होते हैं प्रोटोप्लाज्म के मास के द्वारा। ओके, अब भाई प्रोटोप्लाज्म क्या है, यहाँ पर ये भी कंफ्यूजन आ गया। तो प्रोटोप्लाज्म अगर आपको देखना है तो मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी जिसमें क्लियर कर दूंगी कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, राइबोसोम क्या होता है, सेल वॉल क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। तो ये सारी चीजें मैं धीरे धीरे डिस्कस कर दूंगी, ओके, वीडियो बना दूंगी उस पर। एंड चलिए देखते हैं सेल्स, सेल के बारे में मतलब डिस्कवर किसने किया था। सेल वॉज डिस्कवर बाई रॉबर्ट हुक, यानी सेल का जो डिस्कवर जिन्होंने किया था उनका नाम था रॉबर्ट हुक, नाम था उनका, जिन्होंने 1665 में क्या किया था, सेल का खोज किया था उन्होंने, ओके, डिस्कवर किया था। लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन द फॉर्म ऑफ सेल, अगर देखा जाए तो लाइफ क्या है, लाइफ सेल से ही तो एग्जिस्ट करता है, यानी सेल से ही तो क्या होता है, न्यू सेल्स भी बनते हैं, सेल से ही क्या होता है, लाइफ एग्जिस्ट करता है। तो ये था हमारा सेल के बारे में, ये एक छोटा सा डेफिनेशन। ओके, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपके डाउट्स क्लियर हुए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, ओके, मोटिवेशन बढ़ता है अगर आप लोग लाइक करते हैं तो। एंड आप अपने फ्रेंड के साथ, क्लासमेट के साथ वीडियो को शेयर भी जरूर।